देखती आंखों और सुनते कानों को मेरा अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डक शॉट रिएक्ट्स। बॉयज बहुत सारे दिन वीडियो नहीं बनाए क्योंकि मैं बिजी था, पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ, सो घर पे बहुत लेट आता था, थका हुआ होता था। आप लोग जरूर समझते होगे क्योंकि यूट्यूब पे अभी मुझे नहीं मिलते एडवर्टाइजमेंट, सो जब तक नहीं मिलेंगे तब तक तेरा भाई करता रहेगा काम। एनीवेज, आज रिएक्शन करूंगा मैं बेकार फिल्म्स और कराची वाइंस की कोलैबोरेशन है एक स्किट वीडियो जिसका नाम है बाइक कहानी राइडर की। एक बाइक मोटर बाइक कोई लेके आया लेकिन कहानी राइडर की ये वीडियो का नाम है और कॉमेडी स्किट है, इन दोनों की मिलके देखते हैं। बिफोर वी बिगिन गाइज, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज मेक श्योर टू लीव अ लाइक एंड सब्सक्राइब, और विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम गाइज लेट्स गो। कहानी राइडर की कॉमेडी स्किट, लेट्स गो। भाई बड़ा खुश खुश नजर आ रहा है यार। मुबीन भाई, आज आपके भाई ने पूरे 18 ऑर्डर आ रहे हैं। अरे अरे, मेरी भी कुछ कम नहीं है, मेरे भी अरीब करीब है। कितने? 16। क्या बात है, जबरदस्त। मगर फायदा मेरा क्या हुआ पता है? क्या? इलाके सब करीब करीब थे तो पेट्रोल भी बच गया। क्या बात है मेरा, और आपके भाई को तो इस बार इंसेंटिव भी अच्छा बन रहा है इस हफ्ते। अरे मेरी टिप अच्छी लगी है। क्या बात है, जबरदस्त। ऑर्डर कर लेते मैंने। हाँ लड़ा, अब वही दो चीज वाले। अभी ये इतना अफसुर्दा क्यों बैठा हुआ है? पहला दिन था क्या? हाँ। क्या हुआ भाई? यार मुझसे नहीं हो पाएगी ये नौकरी, मतलब ट्रैफिक में फंस जाऊं तो मेरी गलती, रेस्टोरेंट लेट कराया तो मेरी गलती, बिरयानी में आलू नहीं है तो मेरी गलती। यार देख, दुनिया में कोई भी काम करेगा तो मसले तो आएंगे, मगर उसका ये मतलब थोड़ी है कि तू अफसुर्दा बैठ जाए। मेरा पहले दिन पता क्या हुआ था? बॉस ये ऑर्डर है। जिसको नहीं पता, फूड पैंडा जो है पाकिस्तान का ना, इट्स लाइक तलबात या उबर ईट्स हो गया जिस तरह दूसरे मुल्कों में, और एक और भी है, क्या नाम है उसका, तालाबात है और दूसरा है जोमैटो। तो ये इस तरह का एक फूड डिलीवरी सिस्टम है पाकिस्तान बेस्ड जिसका नाम है फूड पैंडा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा यही है, सो उसको लेके वीडियो है। भैया ऑर्डर तो हम किसी का लेते ही नहीं है, कोई काम है तो रिक्वेस्ट करें। अरे भाई फूड पैंडा वाला हूँ यार, मेरा ऑर्डर है 143। हाँ बैठे, रेडी हो रहा होगा। बैठे 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 बैठे, बन रहा है बन रहा, बन रहा। रेडी टू पिक आया था इसमें। दो टिक्के मिल जाएंगे? हाँ भाई मिल जाएंगे। ये ले आप। फिर कितने पैसे हुए? जो आपके पास है वही है। अरे भाई मेरा भी ऑर्डर है। वो स्पेशल है ना आपके? हाँ हाँ हाँ, स्पेशल तो टाइम लगता है ना बनने में। आप बैठे ना, वेट करें ना प्लीज। जी भाई जान, मैं फूड पांडा राइडर बात कर रहा हूँ। मैं आपके बताई हुई जगह पे आ गया हूँ, 19 सी प्लॉट पे। यहाँ बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है? अरे इसमें तो प्लॉट लिखा हुआ है। अच्छा, और लिफ्ट भी खराब है। अच्छा आता हूँ मैं। ओ ओ, बड़ी जल्दी आ रहे भाईजान, एक घंटे बाद आते ना, इतनी जल्दी क्या थी? अरे सर, आपको जो ना हेलीकॉप्टर राइड बुक करनी चाहिए थी, ये गलत आपने बाइक राइड बुक कर ली। यार असल में हमारी लिफ्ट खराब है दो दिन से ना, तो हम भी नीचे नहीं उतर रहे, खाना ऊपर ही मंगवा लेते हैं। अरे तो ये इंस्ट्रक्शन में लिख देते ना आप। हाँ ये तो 230 रुपए आपका बिल हो गया। ये ले। ये ए, ये ये ले। सर ये तो 1,00,000 रुपए का नोट है, आइए मैं समझाऊंगा कि मुझे एक आईडी जुगाड़ करते हैं। यार ये ए, ए, ये देख कितने हैं यार, 70 रुपए। कितने बाकी हैं? 260। 260 27 28 29 कोई मसला नहीं सर, मैं मैनेज कर लूंगा। नहीं नहीं यार, मैं एक ढेले की करप्शन भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे नहीं नहीं, एक मिनट मैं कुछ करता हूँ। अरे ये कोई पहला दिन था? मैं बताता हूँ मेरा पहला दिन कैसा था। यार जल्दी आ जाए। अंकल अंकल अंकल, ये लो बेटा, नरम नरम गर्मा गर्म ऑर्डर तैयार है आपका। ठीक है अंकल, मैं पहुंचा दूंगा। ये भी है बेटा, रख लो। मेरा तो एक ऑर्डर की बात हुई थी। ये सालन है, दो रोटियां हैं। वो आंटी कह रही थी भाई राइडर आएगा, बेचारा पूरे दिन का थका हारा होगा, तो आप भी खा लेना। इस
तकल्लुफ की क्या जरूरत थी अंकल, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तो तुम्हारा भाई, आपके साथ कारोबार करके यकीन करें आपकी आंटी आज लाखों में खेल रही है, लाखों में। हम यकीन मानो सवेरे से बीपी की गोली दबान के नीचे रखते हैं, हमारे बुढ़ापे में हम लटक गए बेटा, सवेरे से बीपी की गोली रखता हूँ, ठंडा हो जाएगा। और यकीन मानो यही बस शॉपर देना लेना, मेरे घुटने की ना कटोरी लीजिए, कटोरी मैं इतना बेटा। अभी आपका ऑर्डर था, मुझे डेंटिस्ट के पास जाना था, मेरी दाढ़ निकलवानी है, मैं नहीं गया। अबे यार ये मैं कहाँ आ गया, या मेरी शॉपिंग ना हो जाए। हेलो जी सर, हेलो फूड पांडा से आया हूँ सर। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मेरे पीछे आओ। ये क्या है? वाह भाई, राम और श्याम ये कैसी शक्ल है, बिल्कुल ट्रिक का कॉपी है ना। जी सर अंदर। अरे एक और आपका मुझे। एक दो सोलह सत्रह अट्ठा सत्रह सत्रह सिर्फ सत्रह फ्राई, सॉरी मैंने सत्रह फ्राई इधर, तूने खाया ना, तूने खाया, मुंह दिखा मेरी चप्पल। कसम से कसम से मैंने नहीं खाया, इतने ही आते हैं, इतने इतने ही आते हैं। पांच छह, ये तो छह स्लाइस है, दो स्लाइस और का गए, तो पिछली बार मैंने मंगवाए थे इसमें आठ। मेरे दो पीस का। अरे मेरी आपने पिछली बार कौन सा मंगाया था? लास्ट पिज्जा। ये रेगुलर मंगाया आपने, इसमें इतने ही होते हैं। पता ना मुझे, चेक कर रहा था, चेक कर रहा था, कुछ खाया तो नहीं है ना। अच्छा ऐसा बहुत होता है, लोग ना ड्राइवर को ही पकड़िए पूछते रहते कि ये का ये क्या। भाई उसका काम सिर्फ डिलीवरी करना है, आप कॉल करो जिसको आपने ऑर्डर किया था कि मेरा ये मिसिंग है मिसिंग है। लोग इतने कोई नालायक होते हैं कि वो सारा कसूर फूड पांडा वाले के। अभी ड्राइवर का काम है सिर्फ चीज लेके उठा के आपके घर पे लेके देना। अजीब लोग। और कराची इतना बड़ा शहर है, मतलब मैं तो खैर सोच के हैरान रहता हूँ कि भाई फूड पांडा वाला इतना सारा लोकेशन याद रखना और फिर उसके बाद इतने ट्रैफिक से गुजर के जाना, और बहुत बड़ा है भाई और बहुत लोग हैं कराची में। मगर तीन महीने के बाद आपके भाई ने 0 मीटर 125 निकलवाई थी। हाँ यही तो होता है पर्स। ओ भाई लाजमी नहीं है कि सारे कस्टमर ऐसे खराब हो। भाई हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड करते हैं। किसी की बर्थडे होती है तो हमें भी इनवाइट कर लेते हैं, हम भी केक खाते हैं, तालियां बजाते हैं, अच्छा लगता है। अब देखो किसी के घर में उनकी वालदा बीमार है तो किचन तो चलेगा नहीं ना, तो हम ही तो डिलीवर करते हैं यार। चल यार छोड़, बर्गर खाते हैं यार। अरे यार मेरा ऑर्डर आया। अरे खाना तो खा ले भाई। नहीं यार मैं भूखा रह जाऊँ, कस्टमर भूखा नहीं रहना चाहिए, लोगों की जिंदगी में वैल्यू भी तो ऐड करनी है ना। वाह यार बड़ी जल्दी सीख गया ये, बहुत जल्दी भाई। चल हम तो खाते हैं यार। हाँ यार। That was actually a sweet message in the end. Wow. देखो फूड पैंडा वालों का ना आजकल एक मसला भी चल रहा है डिस्ट्रीब्यूशन से लेके, क्योंकि उन्होंने ना बीच में 20% से 30% इंक्रीज कर दिया था उनका जो क्या कहते हैं शेयर है रेवेन्यू के ऊपर। तो काफी हड़तालें हुई हैं, काफी लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, बिजनेसेस ने ना फूड पैंडा से काम करना लेना छोड़ दिया था उनके साथ। लेकिन फूड पैंडा बिकॉज इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट क्या कहते हैं ट्रांसफर डिलीवरी सिस्टम इन पाकिस्तान, तो लोग जो है ना उसके साथ अगर पार्टनरशिप नहीं करते तो उनका ही नुकसान है। काफी लोग, लेकिन इस्लामाबाद में खैर इतना नहीं है, इस्लामाबाद में लोग हैं काफी जो सपोर्ट में थे फिर भी फूड पैंडा की। फूड पैंडा इतना कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा था इस्लामाबाद में, बट देखा जाए तो पूरे पाकिस्तान में जो है ना फूड पैंडा के अगेंस्ट एक प्रोटेस्ट शुरू हो गया था। लेकिन आई थिंक राइट नाउ इट्स रिसॉल्व, कुछ हो गया होगा, उन्होंने आपस में जो है मुकमुका कर लिया होगा। बट दिस वॉज अ रियली नाइस वीडियो बाय बेकार फिल्म्स एंड कराची वाइंस, बिकॉज इट वॉज अ कोलैबोरेशन। आई वॉज रियली क्यूरियस कि इनकी वीडियो देखनी चाहिए, पहले मैंने इनकी कोलैबोरेशन नहीं देखी, इनकी सोलो वीडियोज पर जरूर रिएक्शन किया है, बट आई वॉज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस वन। और अगर अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज लाइक करो, और फूड पैंडा वालों को जरूर जो है ना हमें क्या कहते हैं एक थैंक करना चाहिए, स्पेशली इस पैंडेमिक में। एवरीवेयर यू गो, जितने भी फूड डिलीवरीज वो हैं बिजनेसेस हैं और जितने भी ये हैं फ्रेंचाइज, इन सब का बहुत बहुत जो है ना हम लोग को शुक्रिया अदा करना चाहिए। इन्होंने इस पैंडेमिक में लोगों के घरों में जाके खाना दिया है, और ज़ाहिर है वायरस है, लॉकडाउन है, कोई जा नहीं रहा था बाहर, तो इट वॉज ऑल अप टू दीज गाइज, एंड इट्स रियली बिग थैंक यू।
आगे वीडियोस देखने के लिए गाइस सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और मैं आगे वीडियोस डालूंगा। आज सोच रहा हूँ 2-3 रिएक्शंस डालूं, बड़ा दिल कर रहा है आज, 2-3 गाने भी हैं सुनने को। गाइस अंटिल नेक्स्ट टाइम टेक केयर, चाओ।